महेश्वर। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्म फलदाता दंड नायक शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन 6 अप्रैल 2024 को करने वाले हैं। इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, 6 अप्रैल 2024 की दोपहर 3:55 पर शनिदेव राहु के नक्षत्र सत्विशा नक्षत्र को छोड़कर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और एक वर्ष तक शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। यानी 27 अप्रैल 2025 तक शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। शनि का नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाला है। इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों, शनिदेव आपके लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। आपके पंचम भाव और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी यानी आपके केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी माने जाते हैं और देवगुरु आपके राशि के पराक्रम भाव और आपके रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो शनि का नक्षत्र परिवर्तन और देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि का संबंध आपके जीवन में अब क्या परिणाम आपको एक वर्ष तक देने वाला है, इसकी जानकारी हम तुला राशि वाले जातकों को इस वीडियो में देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता मिलेगी और कहां पर आपको सावधान भी रहना है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि शनिदेव सौर मंडल में सबसे प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। सभी नवग्रहों में शनिदेव की चाल सबसे मंद है। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक गोचर करते हैं, इसलिए सभी लोगों के ऊपर शनिदेव का सबसे व्यापक प्रभाव होता है। ज्योतिष में शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, प्राकृतिक आपदा, गरीबी, सभी प्रकार की नौकरी का कारक माना जाता है। इन सभी क्षेत्रों पर शनि का ही प्रभाव होता है। भले ही शनि के बारे में नकारात्मक धारणा बनी हुई है, लेकिन जब जन्म कुंडली पर शनि अच्छी प्लेसमेंट के साथ मौजूद हों और व्यक्ति के कर्म भी अच्छे हों तो शनिदेव जीवन में कई प्रकार की सफलता प्रदान करते हैं। बलि शनि के प्रभाव से जातक के जीवन में कई भूमि, कई भवन और कई वाहन का मालिक ऐसा व्यक्ति बनता है। शनि अगर बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन के सभी क्षेत्रों में मान सम्मान मिलता है, जनता से जुड़े हुए कामों में सफलता मिलती है और शनिदेव का पीड़ित प्रभाव कई प्रकार की समस्याएं भी देता है। यदि कुंडली पर शनिदेव नकारात्मक अवस्था में विराजित हो, असाध्य रोग देने लगते हैं जैसे कैंसर, पैरालिसिस, जुखाम, अस्थमा की समस्या होने लगती है और शनि के कमजोर होने पर कर्म क्षेत्र के मामले में अधिक मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का प्रभाव ज्योतिष में शनि का माना गया है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तुला राशि वाले जातकों, 6 अप्रैल 2024 को दोपहर 3:55 पर शनि आपके पंचम भाव पर विराजित होकर गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली का पंचम भाव त्रिकोण भाव कहा जाता है। इस भाव से संतान, बुद्धिमता, शिक्षा के बारे में, प्रेम संबंध के बारे में, आत्मविश्वास, पूर्व पुण्य के बारे में विचार किया जाता है। शनिदेव आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अवस्था में विराजित हैं,
इसलिए आपके जीवन में शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके कई मनोरथ सफल करवाएगा और आपको कई मामलों में जबरदस्त सफलता का योग भी देने वाला है। सबसे पहले तुला राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कर्ज बना हुआ है और पिछले समय से यदि आप ज्यादा प्रयास कर रहे हैं लेकिन कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में कर्ज मुक्ति की प्रबल अनुकूलता निर्मित करने वाला है। पंचम भाव पर प्रभावी शनि की तीसरी दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर जा रही है, सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है और दशम दृष्टि आपके धन भाव पर जा रही है। गुरु के नक्षत्र में शनि प्रभावी होंगे, आपके आत्मविश्वास में अचानक बढ़ोतरी मिलने वाली है और आत्मविश्वास के द्वारा आप कर्म क्षेत्र के मामले में सफलता प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सामाजिक कार्यों में यदि आपका जुड़ाव है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय शुभ रहने वाला है। पंचम भाव से शिक्षा का विचार करते हैं और पंचम भाव पर ही शनि प्रभावी रहेंगे। यदि आप एजुकेशन सेक्टर में जुड़कर चल रहे हैं, गुरु के नक्षत्रों में प्रभावी शनि आध्यात्मिक उन्नति, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति आपके जीवन में देने वाले हैं। और तुला राशि वाले जातकों के लिए धन के दृष्टिकोण से भी यह समय शुभ रहने वाला है। जहां एक ओर आपके जीवन में धन वैभव की बढ़ोतरी होने वाली है, वहीं दूसरी ओर यदि आप अपने जीवन में बचत नहीं कर पा रहे हैं तो शनिदेव आपके जीवन में संचय भी करवाने वाले हैं। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के जीवन में यहां पर यदि आप पिछले समय से किसी प्रकार के कानूनी मामलों में विजय की संभावना को लेकर यदि आप चल रहे हैं, विजय चाहते हैं, तो यहां पर आपको यदि आपका पक्ष सकारात्मक है तो शत्रुओं पर भी आपको विजय मिलेगी और कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में सफलता की प्राप्ति तुला राशि वाले जातकों को होने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा। अब यहां पर तुला राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सावधानी भी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। तुला राशि वाले जातकों, शनिदेव आपके लिए राजयोग प्रदाता ग्रह हैं और 2025 के मार्च तक शनि की जो पोजीशन है वो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से आपको बचना चाहिए। शनिजन्य दुष्प्रभावों को जीवन से समाप्त करने के लिए आपको ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना भी शुभ रहने वाला है। या भगवान शंकर की यदि आप आराधना करते हैं तो आपके लिए शुभता काफी ज्यादा मिलने वाली है। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।